सच मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, जयंत चौधरी जो बोलने के लिए खड़े होते हैं, भारत रत्न पर सरकार को धन्यवाद कर रहे थे, आप लोगों की तरफ से आपत्ति दर्ज करवाई गई जिस पर काफी गहमागहमी हो गई। हम लोग सिर्फ ये कहें कि कल सोनिया जी ने आज की बात छोड़ी और मल्लिका खड़गे जी ने तीनों विभूतियों को चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव जी और उनको दिया था भारत रत्न स्वामी नाथन जी को, हम उसका स्वागत करते हैं। आज सदन पे खड़े हो हमारे नेता विरोधी दल ने ये कहा है स्पष्ट रूप से कि हम चौधरी चरण सिंह जी को देने का सम्मान सलूट करते हैं। मैंने भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा के ये कहा कि नेता विरोधी दल ने ये कहा है कि हम तीनों को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत। लेकिन सर, चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, वो काफी नाराज नजर आ रहे थे कि अपमान किया जा रहा है। वो अपना अपमान ले रहे हैं, वो एक दूसरा विषय है जो नहीं किया गया, उनके प्रति सबका आदर है। अरे, चौधरी चरण सिंह को सलूट किया जी नेता विरोधी दल ने, अगर उसे गलत तर्क रख रहा है तो गलत है। पर एक बात, लेकिन सर एक चीज और इसी में पूछ लेता हूँ कि ऐसे में जयंत चौधरी ने ये कहा कि जो मौजूदा सरकार है सही मायने में चौधरी चरण सिंह की जो सोच है उस पर काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, जयंत जी ने जो कहा उनके विचार है, वो कहने को स्वतंत्र है। पर एक बात जरूर, अब अगर जयंत जी गए भाजपा में या एनडीए में, समझा ही जाएगा कि भारत रत्न की बार्गेन और जो चौधरी साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि, चौधरी साहब का अपमान न करें। अब तो एनडीए में जाने का विचार पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, वरना भारत रत्न का अपमान होगा, चौधरी साहब का अपमान करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अब अगर अपना जो है रुख बदलते हैं, जिसकी जो चर्चा चल रही है, आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया है लेकिन कल उन्होंने कह भी दिया, मैं किस मुँह से विरोध करूँगा? देखिए, अभी हुआ नहीं जी, इसलिए मैं समझता हूँ नहीं करेंगे, क्योंकि अब लगेगा जैसे भारत रत्न की सौदेबाजी होगी, उचित नहीं। यानी साफ तौर पर प्रमोद तिवारी जो एक अलग तरह का सवाल उठाते हुए ये कहते हुए कि अब अगर जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उससे तो ये लगेगा कि भारत रत्न की सौदेबाजी हुई है और उनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।